मजा आने वाला है आपको फिल्म देख के। रणवीर की एक्टिंग अच्छी है, रश्मिका, अनिल कपूर, मतलब इतने मतलब जो बस था वो एकदम बस एकदम बढ़िया है। मुझे लगता है सबको जाना चाहिए सिनेमाज में ये पिक्चर देखने के लिए। हाँ, एक एनिमल वाला रूप देखने को मिल रहा है रणवीर का इसमें, तो काफी मजा आने वाला है लोगों को। एक्शन चीज में थी बहुत बढ़िया लगी। KGF से तो बहुत बेटर मूवी थी। मतलब बॉक्स ऑफिस पे पैसा कमाएगी? हाँ, ये तो पठान का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अच्छा, आप बॉबी देओल या रणबीर कपूर? रणबीर कपूर, उसका लुक्स वगैरह बहुत अच्छा लगा। मूवी में क्या चीज जो आपको थोड़ी कमी लगी? मेरे को मूवी थोड़ी लंबी कर दी है, उसमें थोड़ा बोरिंग टाइप लगा था। मूवी बहुत बढ़िया थी, काफी अच्छा लगा देख के, और एक्टिंग, रोमांस और कॉमेडी भी बहुत बढ़िया थी। रणबीर कपूर या बॉबी देओल? रणबीर कपूर की एक्टिंग है। आप मूवी बहुत ज्यादा लंबी है तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? लेकिन फिर भी पता नहीं चला, लेकिन फिर भी सही थी। मतलब क्या मूवी पैसा कमाएगी बॉक्स ऑफिस में? हाँ, पैसा तो कमाएगी। कितने स्टार्स देंगे 5 में से? 5 में से 4 स्टार। एनिमल मूवी काफ़ी अच्छी मूवी है, काफ़ी मेहनत की है और काफ़ी अच्छा काम भी है। एक्शन सब है, कॉमेडी और ड्रामे से बात करें तो बहुत अच्छा सबका कॉम्बो बना रखा है, सबको अच्छे से मिक्स कर रखा है। कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए बिल्कुल परफेक्ट है। अगर मैं बॉबी देओल की बात करूँ, बहुत कम समय के लिए उनका रोल आया है और विलन का रोल किया, उन्हें मैन विलन का रोल किया हुआ है, लेकिन बहुत कम समय के लिए आया, म्यूट तरीके से आया। जो भी उन्होंने काम किया है सारों में किया है, और काफ़ी लंबी है तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? बोर नहीं होगा कोई बंदा। शुरुआत में हल्का सा, मतलब मान लो 15 मिनट बोरिंग थी थोड़ी सी, लेकिन ओवरऑल मस्त मूवी है, मजा आ गया। 5 में से कितने स्टार? अच्छा, 5 में से 4। इनमें गाने हैं माँ भारती के बीच में, अगर आपको हंसी आए तो और क्या ले सकते हैं आप? तो बहुत जबरदस्त पैसा वसूल फिल्म में आप आइए, देख करके जाइए थिएटर। थोड़ी फील हुई क्योंकि देखिए फैमिली को लेकर के दिखाया गया तो वहाँ पर थोड़ा सा इमोशनल ब्रेकडाउन होता, लेकिन एक सीन के लिए आप नहीं बोल सकते फिल्म का। फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छी है, एक्साइटमेंट बना रहता है, लेकिन सेकंड हाफ में डायरेक्शन लूज रही है। रणबीर कपूर की एक्टिंग जो है बहुत अच्छी है। कितने स्टार्स देंगे? 5 में से 4 स्टार। यार ये फिल्म ना, जितने एक्साइटमेंट्स में देखने के लिए आया था ना, सुबह सुबह देखने आया था, 1 घंटा डिले चालू किया फिल्म ने फर्स्ट हाफ, बट हाफ तक ना बड़ा एनर्जेटिक फिल्म था ये। हाफ एंड के बाद काफ़ी स्लो कर दिया इस फिल्म को, हाफ के बाद फिल्म पूरी बोरिंग हो गई। और जो बॉबी देओल की एंट्री थी ना, जस्ट मिनट एग्रेसिव मोमेंट था, बट आई थिंक जो देखने के लिए आया था वो दिखा नहीं। कितने स्टार्स देंगे आप? 3.5। भाई मैं एनिमल दिखाया, बहुत वो था छुट्टी स्पेशल, मैं छुट्टी लेके गया था, मैं सुबह 8 बजे से आया हूँ, लेकिन इतना अच्छा वो था कि जितना सुना था एनिमल के बारे में कि इतनी अच्छी है, इतनी बढ़िया है, बॉबी देओल का रोल बहुत कम था और मूवी को फालतू का इतना खींचा गया है। 3.5 घंटे की मूवी बनाई है लेकिन इतनी अच्छी है नहीं, इतना नाम था उसका कि एनिमल है, कुछ नहीं है उसका। अच्छा, क्या स्टोरी रही स्टोरी के बारे में? स्टोरी कहीं पता नहीं लगा, सिर्फ एक पापा के पीछे स्टोरी थी उसकी बस, बाकी कोई स्टोरी नहीं था ना, कुछ ऐसा कुछ सीन था कि ना कोई अच्छी स्टोरी की नहीं कुछ है, कुछ नहीं, कुछ पता नहीं लगा सुनने के बाद। एक्शन ज़्यादा था? एक्शन ज़्यादा था, कुछ ऐसा खास नहीं था मूवी में कि अच्छी स्टोरी है, कुछ नहीं था। अच्छा, ना कोई विलेन था, ना कितने नंबर देने चाहिए? 5 में से मैं तो गर्मा के आए, बस बोरिंग टाइम है, टाइम किसी को पास करना हो तो आ जाओ, हमारा तो मेरा तो खुद मन नहीं लगा 3.5 घंटे बैठे बैठे बोर हो गया। अच्छा, ज़्यादा सैम बहादुर बोर कर रही थी बिल्कुल, इससे अच्छा सैम बहादुर काफ़ी अच्छी।